जकड़ो उसको अंदर से, जकड़ के मारो उसको तेज हिसाब से, मारो उसके अंदर से आग लगा दो पूरी। يوم طاب الظلم ارسلنا اليكم رسولا كما ارسلنا الى فرعون رسولا فاتبعونا الرسول ونخدم به بغير فضل تكون يوم يجد قال ودوه مفعولا ان هذه تذكرة ان هذه تذكرة कितने देर पूरी जोर से झगड़ो उसको तेजी से इतरनाक में खांदों पे पीठ पे लगाओ उनकी उंगली पे लेके सही हूँ के अंदर इस बात खानों पे फिर पीट दे। अच्छा बात मत करो, खाली उंगली से लगाओ, दूर हटो जल्दी, मुंह का हटाओ ना, मार के डाल देंगे तेरे, हाथ आवाता सब काट देंगे तेरे, दो तीन टुकड़े करके तेरे फेंकेंगे। वो सतारा परेशान कर रहा लोगों को, क्या कर रहा था उसको अंदर, छुटता कर के भाग सकता दूर, तेरे बाप का राज चल रहा, मेरी बंदी से, मेरी बंदी से कोई नहीं निकल सकता, मामूली कमबख्त बाप का तेरा राज चल रहा था रे, लोगों का परेशान करता, छोड़ो छोड़ो, मैं बोलने वाला नहीं छूट सकता, मेरी बंदिश में एक बार ले लिया मैंने तो, बंदिश करने सबको थोड़ी आती, इसको बोलते बंदिश, शैतान गिड़गिड़ाना, पकड़ लो उसको नाला को और तेज से छोड़ दो मेरे को। जकड़ लो उसको और तेज से कस के बांधो उसको, उसके दोनों टुकड़े करके उसके फेंकेंगे उसको, उसका एक टुकड़ा करके बाहर टांग देंगे उसका, लोग आते जाते तो गिनती करेंगे उन्हें कितने आ रहे जा रहे, करूं दो टुकड़े, बोल जोर से, जोर से बोल, नहीं 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 नहीं। कब मारने वाला था? आज। हाँ? आज मारने वाला था। कितने बजे? ट्रेन से आ रहे थे तो चल। कैसा मारने वाला था? पटरी पे सुलाने वाला था। अच्छा। मुद्दत कब की आखिरी? डेट कब की थी? जान लेने की? 2 महीने। बचे अभी लास्ट। अम्मास में मारो बोले, पुन्नम में मारो बोले। अम्मा उसमें सुसाइड करा के, बीमारी डाल के, एक्सीडेंट करा के, कैसा मारने वाला था? सही से बोल,
एक सेकंड डाल के। और इसी घर में से कितने लोगों को मारने वाला है? दोनों को। किसको? दूसरा कौन है? जमाना। वो इसकी कौन होती रिश्ते में? अम्मी। पप्पू है इसके अब्बू का इंतकाल हो गया बचपन से हमने पाले उसको। हाँ। बचपन से हमने पाले बच्चे को, शादी भी कर ली है, दो बच्ची की माँ है। भैया बहुत परेशान करती, बहुत मारती हमारी बहन। अरे कौन मार रहा था? वो कौन कर रहा था? घर में बैठ के झगड़े किरकिरे इसके आंग में घुस के। मैं कर रहा था। क्या बोले थे तेको? मार बोले थे? किरकिरे कर घर में सबको सता। हाँ कौन बोला था वो? नाम मत बोला भी। सिर्फ इसके माँ के खानदान के थे, बाप के खानदान के थे लोग वो। अभी नाम नहीं पूछा मैं, अभी खाली शनाखत पूछा। कोई नहीं थे। फिर किधर के थे? इधर के भी नहीं थे। फिर कैसे क्या आगा तू? आसमान से टपका गया ना आला। जकड़ो उसको और तेज से, और हाथ लगाओ उसके अंदर, सलाखे लेके आओ गरम करके, उसके आर पार निकालो चुबा के सलाखे उसके। जकड़ लो उसको और तेजी से जकड़ो, तेजी से लगा, कितनी तेरी ताकत है पूरी। जकड़ लो उसको और तेजी से। कितने लोगों को मारा अभी तक? इंसानों को? किसी को भी नहीं मारा। पहले से थे क्या दो शिकार तेरे? इनको मार के कहां ले जाने वाला था? शमशान में, कब्रस्तान में। तू आया कहां से था? शमशान से, कब्रस्तान से? शमशान से। मरने मरे वाला है या जिन्नाते का खबीस है? कौन की नस्ल का है? मरा हुआ है। कब मरा था? कितना टाइम हो रहा? 10 साल हो रहे। मरने से पहले क्या नाम था? रोहित। कैसा क्या मरा था? एक्सीडेंट हुआ था। कहाँ हुआ था? यवतमाल में। यवतमाल में किधर साइड में? कैसा हुआ था एक्सीडेंट? हाँ मर के भी लोगों को चैन से नहीं रहने रहा ना लायक। छोड़ दो मेरे को। नहीं छोड़ दो, जकड़ लो उसको और तेज से। छोड़ दो मेरे को। तेज से मार मार के। क्या जुलूम दे रहा था उन्हें लोगों को सांगों में घुस के? मारो उसको और तेज से। ये बच्ची को कहीं में मिला खिलाए थे? कहीं में नहीं। जादू चलाते टाइम क्या लग गए थे इसका? कुछ भी नहीं। फिर कैसा क्या गया? झूठ बोलता, जकड़ो उसको और तेज, जकड़ के मारो उसको, आग लगाओ उसके अंदर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसने जादू किया था? उसकी माँ की तरफ के थे, बाप की तरफ के थे, ससुराल की तरफ के थे, किधर के लोग थे? किसी ने जादू नहीं किया था। हाँ फिर कैसे क्या आ गया तू? रास्ते से जाना हो, एक हो गया था। कैसा क्या एक हो जाता रास्ते से जाना? बीच में आ गई थी वो। कैसा क्या आ गई थी बीच में? मेरा जाना था और वो बीच में आ गई थी। क्यों आ गया फिर तू उसके आंख पे? झूठ बोल रहा कमबख्त नाला। कितने साल से परेशान कर रहा था उसको? 10 साल से। अगर कुआरे पहले से छे उसको, कुआरे पहले से हमारे बहन को बहुत मारते होंगे, अम्मी को भी मारते, हमारे सब कुछ मारते। छोड़ दो। और उससे उनके घर में बुजुर्ग लोग मारने लगा था, कमीने उसकी माँ को, खाला को, कौन कौन से लोगों को? पप्पू को। हाँ चाचा को मारने लगा रहा था। चाचा को मारने लगा था? क्यों क्यों? बच्चों को जल्दी बोल। मासूम बच्चों को मैं किसी से अच्छा नहीं रखना चाहता था। और मैं अकेला रहना चाहता था। क्यों रहना चाहता था? वजह तो कोई बोला था क्या उसको? ऐसा करा सबसे तू आगे लेके जा बोल के? नहीं। हाँ किसी ने
मैंने कुछ नहीं बोला था। मैं ऐसे ही रहना चाहता था अकेला। तू एक बार भी तेरी झूठे बातें मेरे सामने डाल, गलती नहीं तेरे को इतना मारने लगाऊंगा, इतना मारने लगाऊंगा अभी दो टुकड़े करने लगा दूंगा, उधर फेंकूंगा किधर फेंकूंगा, दो टुकड़े नाला कराऊं बोलो अभी दो टुकड़े तेरे। नहीं सुने नहीं आ रहा मुझे, जोर से बोल। नहीं सुने नहीं आ रहा, जोर से। नहीं और जोर से। नहीं बता सारी दास्तान बता, सही से जादू चलाते टाइम पे सब क्या ले गए थे, क्या लिए थे बच्ची का? नहीं बताऊंगा। इसकी अम्मा का इंतकाल हुआ है क्या? नहीं भैया का हुआ है, हमारे इनकी अम्मी दूसरी शादी कर ली है 15-16 महीने। इसके अब्बा को कौन मारे थे? तूने तो मारा था क्या? क्या करके मारा था? मैंने नहीं मारा था। फिर किसने मारा? तेरे दोस्त ने मारा? तेरे जोड़ीदार शैतान ने मारा? मेरे को नहीं मालूम। क्या तूने तो मारा? मैंने नहीं मारा। फिर तू आया कहाँ से? फिर तेको ला के कौन लगा ये बच्ची के आंग में? उसके माँ के तरफ के रिश्तेदार है, बाप के तरफ के, किधर के लोग है वो जिसने ला के बच्ची के आंग में डाले? तो जल्दी बोलना तो मैं अभी काटने का हुक्म दे दूंगा तेजी के साथ में। माँ के तरफ के। अच्छा तो ये बच्ची का जादू चलाते वक्त क्या लिख गए थे? ड्रेस। ड्रेस कौन से कलर का ड्रेस था वो? गुलाबी कलर का। कितना टाइम हो रहा ली जाके वो ड्रेस? 10 साल हो रहे। अच्छा और वो औरत ने लिख गई थी, आदमी ने लिख गया था ड्रेस चुरा के? औरत ने लेके गई थी। बाप की रिश्तेदार है, माँ की है? नहीं बताता। जल्दी बोलने तो अभी काट के दो टुकड़ा करा दूं। लाओ बाहर से जंजीरा और जकड़ लो उसको तेज एक साथ में। साल से परेशान कर रहा था ना तू मनमानिया कर करके, बता अब तेरी ताकत कितनी है? तो मेरे को अब तेरे को काट के फेंकता हूँ, बहुत होगा तेरा मनमानिया। कौन लाए थे वो पूछा मैं? देखो माँ के तरफ के थे, बाप के तरफ के थे लोग? बाप के तरफ के। इससे पहले क्या बोला था तूने? सही बोल, नहीं तो अभी काट के दो टुकड़े कर दूंगा। नहीं बोलता सही, चलो ठीक है उसके अंदर आग लगाओ तेजी से उसको काटने के लिए। कौन है वो? चलो उसके हाथ और कौन है? सही सही बोलो। छोड़ो 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 छोड़ो, बता दो बता दो कौन है? किसी ने नहीं कुछ करा था, मैं खुद ही लगा था उसके पीछे। नहीं होता ऐसा, रूल्स ही नहीं है दुनिया का। ये बाप का तेरे रात चल रहा, खुद ब खुद आने को मनमानिया चल रहा है। कम वक्त मेरा परमिशन लिया था तुमने उसको लगने से पहले? हाँ नहीं फिर कैसा क्या लग गया तू मेरे हुकुम? मेरे को पसंद आ गई थी वो। कैसा पसंद आ गई थी? मुझे तेरे हाथा पसंद आ गए, काट के भस्म कर दूं क्या? हाँ क्रिकेट खेलने का मिल जाके तेरे दोनों हाथ छोड़ो छोड़ो कुछ भी छोड़ चल रहे छोड़ो छोड़ दो। कौन लाया था? कोई नहीं लाया था मेरे को। कौन था? उसके माँ के बाप के खानदान का किधर का था? कोई भी नहीं था। छोड़ दो बोलना तो पड़ेगा, छोड़ दो तुझे मार के भस्म कर दूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मेरे को, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। सही बता रहा मैं? सही सही बता ना। लग गया था उसके पीछे। नहीं लग सकता तू ऐसे ही। मैंने बोला ना ऐसे ही लग गया था मैं उसके पीछे। अच्छा ऐसे ही लग गया था तू? ऐसा तेरा कहना। तू कौन डाले थे? तू कहाँ से आया था उसके आंग में? किसने खिलाए थे? किसने जादू चलाया था? दूसरे चक्कर तक ना लायक मुझे सबके नाम याद करके आके बोल। अगर नहीं बोलेगा तो तेरे दो टुकड़ों में चीर के फेंकने लगा दूंगा। चल दोनों हाथा उठा ऊपर मुंह पे मार के तोबा तोबा कर, दोबारा उसके आंग में जाना नहीं, झगड़े जाहिलियां गुस्सा कुछ कराना नहीं। चल तोबा कर जल्दी उठा के दोनों हाथ ऊपर। तोबा तोबा जोर से तोबा तोबा जोर से सुने
मार मुंह पे। तोबा तोबा जोर से तोबा तोबा। करेगा दोबारा परेशान? नहीं करूंगा। करेगा दोबारा परेशान? नहीं करूंगा। करेगा घर में लड़ाया? नहीं करूंगा। मारेगा उसके चाचा को, खाला को, फूफों को, किन को मारेगा? नहीं मारूंगा। तोबा कर जल्दी। तोबा तोबा। और सबके नाम याद करके आके सुनाना मेरे को, दूसरे चक्कर तक कौन डाले थे, कहां से लाए थे, शमशान से, कब्रिस्तान से, कितने लोग थे, क्यों जादू करे थे, क्या दास्तान है, सारी बातें बयान करना। चलो उसको गिर नाला कुछ जंजीरें डाल के रखो और सब याद करा के लाओ, उसको मार मार कर दूसरे चक्कर तक उसकी सारी शक्तियों को मार मार के खत्म करो। पानी दो गिलास दो। क्या नाम? खुशबू। जाओ उसको नाला बंद कर डालो। अरे खुशबू पानी पियो। सुबह शाम दो टाइम मुंह पे मारना है पानी स्प्रे का, और इस पे सात बार अतल कुर्सी, सात सात बार चारों कुल पढ़ के दम करते रहना हर नमाज के बाद में। और ये दुआ का पानी है, इस पे भी सात बार अतल कुर्सी, सात सात बार चारों कुल हर नमाज के बाद में पढ़ के दम करना, और दिन भर ये पानी ज्यादा से ज्यादा पिलाते रहना, पढ़ाते रहना, पिलाते रहना। पकड़ो ये, पकड़ो ना जी। तक क्या डर रहे? नहीं भाई। बोलो इधर, वो थैली में के सुबह शाम दो टाइम मुंह का धुआं देना, घर में भी देना, उनको भी देना। यतमान से आए। क्या हो रहा था इनको? भैया इतना दुनिया का मारती है हमारी बहन को, कोई भी बात पे, मेरी मम्मी को भी मारती, मेरे भैया को, ये चाचा है, वो चाची है, मैं फूफू हूँ, इतना मारती भैया, बोल नहीं सकती आपको, नंगे नंगा गाले बकते रहे। का बैठ कर रहा था ना, बोला ना नंगे नंगे। कितने बार हाजिर हुआ भैया? ये चलते रहना भैया, हम बोल रहे देखो वो लगे वाला, इधर मान वो लगे वाला शैतान नहीं है, वो शैतान आ जो रहते अलग अलग किस्म के, लगे वाला रहता तो चल जाता था, उन्हें बोल रहा मैं लगे वाला हूँ, मगर नहीं, उससे ज्यादा इल्म अल्लाह ने मुझे दिया, सारी दास्तान मालूम रखे, आए कहाँ से, आए कैसी है, मगर उन्हें अभी नाम नहीं बोल रहा था, नाम छुपाऊंगा, इस वास्ते उसको दूसरे राउंड का मौका दिया था कि दूसरे राउंड तक उन्हें आगे नाम बयान करेगा, कौन डाला था, कहाँ से आया था, क्या दास्तान है, क्योंकि लगे वाला जिन लगे वाला शैतान नहीं होता, ये ला के छोड़े आला, और ये कैसा ही क्या है, ये सब थी मालूम होती, मगर मेरे मुंह से मैं नहीं बोलता, मैं सामने वाले की जबान से पूछाता हूँ, पकड़ा के अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से, वैसी बात है, सामने वाले की जबान से बयान करने लगाता मैं, कि अल्लाह ने दिया ताकत, अल्लाह ने दिया फैज, और कलाम इलाही की क्या ताकत है, कलाम इलाही से कैसी मार पड़ती वाला बतरा होती है, तो सब देख लिए तुम लोगों ने, पढ़ते रहने पर लाइव में प्रैक्टिकल में बताया मैं, इसलिए घर का मामूल बनाओ, सुबह में नमाज फजर के बाद में सूरह बकरा पढ़ो, पढ़ने में आता हूँ तो जोर से बावाज बुलंद मोबाइल में या टेप में लगा के बजाओ। सूरह बकरा की भी खास बात यह है कि तुम्हारे घर में खैर बरकत भी नाजिल होगी, अगर बाद नमाज फजर की सूरह बकरा तुम लगेंगे तो 40 दिन तक मुसलसल कंटिन्यू पढ़ाने लगाओ किसी को बुला के, या फिर रिकॉर्डिंग बजाओ मोबाइल में लेके, तो उससे तुम्हारे घर में छुपे छुपाए वाले बल्ला बतराए जादू टोना भाग जाता डर के, और रहमत बरसती अल्लाह की, इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो, एक दूसरे को परेशान हरकत नहीं करना, अल्लाह कहीं मेरे को सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे, क्योंकि तुम यहाँ दुनिया में कर लेंगे मगर आखिरत में तो तुम्हारा करना पड़ेगा, आखिरत की जिंदगी लामहदूद है, और वहां पर तुम्हारे से बाल से बारीक हिसाब लिया जाएगा, क्या कहाँ कैसा वक्त तुमने खर्च किया है दुनिया में, सब तो क्या हिसाब देंगे, ऐसा जादू टोने करने को जाते थे दूसरे को बोलेंगे क्या, बहुत आजाब होगा, खतरनाक आजाब से अल्लाह की पनाह मांगो, खबर के आजाब से अल्लाह की पनाह मांगो, खबर के आजाब से अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि खबर का आजाब इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल तुम्हारा खबर का गढ़ा है, इसलिए वो जन्नत के गढ़ों में से एक बाग बन जाएगा, तो तुम पहले कूद रहेंगे बहुत अच्छी तुम्हारी आखिरत बन जाएगी, और अगर जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा अगर बन जाएगा तो फिर तो तुम्हारी तौबा भी कबूल नहीं होगी, तुम खून के भी आंसू रोएंगे, तू भी खबर में तुम्हारा कुछ सुनने वाला नहीं, क्योंकि तुम्हारे जबान पर तो लॉक डाल के तुम्हारे हाथ पैर तुम्हारा जिस्म गवाही देगा तुमने कैसे गुनहगारियां करें और क्या क्या तमाशे करें, इसलिए खबर के आजाब से अल्लाह की पनाह मांगो, खबर का आजाब तुम्हारे पे बताया नहीं गा, अगर तुमको बता दिया जाता था कि खबर का आजाब क्या है तो तुम उसके डर से जमीन में मुर्दों को डालना ही छोड़ देते, तुम मैयत को दफन करना ही छोड़ देते, इतना खतरनाक, इसलिए अल्लाह की पनाह मांगो, अल्लाह की पनाह मांगो, अल्लाह से डरो,
अल्लाह से ही डरो और मांगो भी अल्लाह से ही, जो देता है खुशी से कहता नहीं किसी से वो जात है अल्लाह की। अल्लाह से ही मांगना, अल्लाह से ही मांगना, गैरुल्लाह के सामने हाथ नहीं फैलाना। तुम एक से दो बार किसी को अगर उधार मांगने गए तो उन्हें तुम्हारे भिखारी बोलता, पहली बार उधार दे देना, दूसरी बार तुम्हारा बोले, तीसरी बार यकीनन भिखारी बोलेगा। और अल्लाह वो है मालिक रहमान और रहीम, उसके खजानों में कमी नहीं है, जितना तुम मांगेंगे उतना उन्हें तुम्हारा इनायत करेंगे, उम्मीद से ज्यादा, क्योंकि अल्लाह दे के खुश होता। और अल्लाह तुम्हारा कभी भिखारी नहीं बोलेंगे, अल्लाह बोलेगा कि मेरा बंदा मेरे पास मांगने आया, तुम्हारे को ऐसा बना देगा कि तुम भिखारियों को नवाजेंगे, इतना नवाज देंगे अल्लाह तुम अगर अल्लाह से मांगोगे तो। और तुम अगर गैरुल्लाह से फकीरों से ये जाके दुनिया वालों से मांगेंगे तो ये भिखारियां तुम्हारे देंगे तो कुछ नहीं, मांगे तुम्हारा कुछ भिखारी का लखब दे देंगे। तो इसलिए मांगो सिर्फ हाथ उसी के सामने फैलाओ, जो देता है खुशी से कहता नहीं किसी से वो जात है अल्लाह की। इसलिए सबसे ज्यादा लोग क्या बोलूँ, अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चलो ठीक है।